आइए चाचा जी, आइए, डरिए मत, आइए आ जाओ चाचा, बिल्कुल मत डरिए, आइए आ जाओ, मैं हाँ ना, मैं हूँ ताने, आइए आइए आओ चाचा, आइए आइए, देखो हाँ देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा, आप कुछ चेक कर लीजिए, आइए आओ चाचा जी, आओ देखिए देखिए, बिल्कुल डरिए। चाचा जी, सारी बिल्लियों की आंखें ऐसी होती हैं। गई चाचा जी, गई, वो डर गई, उसे डर नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आओ 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 आराम आराम, देखो ओ पीड़ो पापू, ओ चाचा जी को हिम्मत देने के बजाय खुद ही डर रहे हो यार। पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना जोड़ी। नहीं नहीं, वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोड़ी। भिड़ो, ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी। मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी, हम आपके पास जब आ रहे थे ना तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। चाचा जी आज देख लीजिए, अच्छा जी कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, देख लो ना। अच्छा जी हो गई तसल्ली, लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी, और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए, शांति से सो जाइए। हाँ लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था, हकीकत थी, क्या था वो सब भूल जाइए, अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, चलिए घर चलिए। पोपटलाल चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ चल रहा हूँ, चलो। अरे ना आइए ना कहीं, हाथ में आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले, छाता ले। सॉरी यार, चल आई 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 आओ चल, उस तेरी चाचा जी आओ, आई आई जी, अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। अच्छा जी, अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। हां पर मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा, मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी। चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे, तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। सोरी तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी, तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना कितना डर रही थी, रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो, वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। पोपो, हमारा गोकुलधाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पोपू मान गया यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा।
मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पप्पू पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, वो तेरी हिम्मत कहाँ गई? शाबाश। हाँ तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ करेंगे। चल पप्पू गुड नाइट। हाँ चंगा चाचा जी, ध्यान रखियो। पप्पू चाचा जी का ध्यान। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ आपके साथ। वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो सही। मतलब लोग तो इतने डर रहे। उठे ये रहे। सॉरी क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटका के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरे साला। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पप्पू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनी है, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? मेरे मगज में भी ये बात आई थी, है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं। नहीं आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? ओ माधवी भाभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ नहीं बरोबर है सोडी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए, और पप्पू को भी। देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए। सोइए, देखिए देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ, सो जाइए आराम से सो जाइए, मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। देखिए चाचा जी जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें तीन काम करने चाहिए। नंबर एक गहरी सांस लेनी चाहिए, नंबर दो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, नंबर तीन सो जाना चाहिए। आप भी सो जाइए आराम से। चलो चलो गुड नाइट। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बबू जी। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जालतू जलालतू आई बलक उठालतू ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मन में बोलूंगा। सो जा। थैंक यू। डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा, आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं
मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। ठीक है, तब आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है, ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए। धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये गाड़ी है जेठालाल। ये ऐसी गाड़ी? अरे एक अलग प्रकार की गाड़ी है। ओ हो, वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा, आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल, नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई, की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हुआ। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। ना ना, जरूर जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए है? पक्का पक्का, हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापू जी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। गया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई की टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराजे। पोपट, अरे उठ जा भाई, उठ जा, कब की सुबह हो गई, उठ जा, कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा। हेलो, हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठे, तू सुप्रभात, कैसे है तू? बस एकदम मजे में बापूजी, आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में, तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं, जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं नहीं नहीं,
इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापू जी। हाँ हाँ अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा 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 बापू जी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि वो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, है? फतेह कर। थैंक यू बापू जी। अच्छा बापू जी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा। हाँ बाबू जी। हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके बाबू जी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बाबू जी? कुछ नहीं। नहीं आपने कुछ कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट। अरे पोपट बोला, कबूतर कबूतर आ गया। हाँ बापू जी, आप कबूतर को पोपट कह रहे? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है, है? अरे नहीं नहीं हुई है, नींद ठीक से हुई है। तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पे ध्यान दे। अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके बापू जी, ओके जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठिया मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डंग डिगा डिगा, बिंदी ये मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हेलो हाय अल्लाह हाय अल्लाह। अब्दुल, अरे चप्पा उठाने के चक्कर में तुम बंद गिर जाना। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन? हाँ नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आओ। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी आपके लिए भी। अब्दुल भाई मैं आपसे बाद में लूँ प्लीज। एक्चुअली मैं सर अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आई गेट ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो चलो, आदमाराम का सुविचार पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं। ये क्या, आदमाराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ ये आज हमारे गोकुलधाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आदमाराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आदमाराम है किधर? लो आ गए आदमाराम। अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आदमाराम तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू। वो तो मुझे पता है यार, क्या है मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। भिड़े भाई अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना इसके लिए। हाँ वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आदमाराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाए। चाचा जी? चाचा जी की वजह से मतलब क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2:30 बजे की बात है, मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। बिलो माधवी भाभी तुसी भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। देखा। आप चलिए हमारे साथ, कुछ नहीं हो। ओ, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहाँ पे सोया है और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने 100% नाइटमेयर। क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना, तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओए यारो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, ये सब ठीक है? हां सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन
कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना, हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। चला चला चला। भिड़े भाई, ये गुलाब जामुन के डब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य चाचा जी के घर जा रहे हैं, उन्हें ये समझाने के लिए कि मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ भी नहीं है। और चाचा जी सभी को ये समझाना चाहते हैं कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है, कोई बुरी शक्ति है या भूत है। अब देखना यह है कि कौन किसे समझाने में कामयाब होता है। क्या चाचा जी इन्हें समझा पाते हैं, या ये लोग चाचा जी का डर भगा पाते हैं, या ये खुद डर जाते हैं? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.